इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप रेडमी के मोबाइल में रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। तो सेटिंग्स ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स ओपन कर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि स्क्रॉल करेंगे नीचे, और नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें क्लिक करिए, साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको फ़ोन रिंगटोन। तो इसमें क्लिक करिए, फ़ोन रिंगटोन में क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको सारे रिंगटोन्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको अपने सिस्टम की रिंगटोन्स चुननी है जो कि फ़ोन के साथ मिलती है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें आप क्लिक करके रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन रिंगटोन चाहिए तो ऊपर में क्लिक कर सकते हैं चूज ऑनलाइन रिंगटोन, और यहाँ से जो है आप कुछ रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट सॉन्ग्स हैं उनकी रिंगटोन यहाँ पे आ गई है। इनको सेलेक्ट करने के लिए इस प्लस वाले आइकॉन में क्लिक करिएगा तो आपकी जो है ऑनलाइन रिंगटोन सेव हो जाएगी। अगर आपको आपके फ़ोन में से रिंगटोन सेलेक्ट करना है, आपके फ़ोन में कोई गाना है उससे सेलेक्ट करना है, तो चूज़ लोकल रिंगटोन में क्लिक करिए, और यहाँ से जो है आप ऑडियो फाइल्स पर क्लिक करिए या फाइल मैनेजर या म्यूजिक, जहाँ पर भी आपका सेव हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फाइल मैनेजर में सेव है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका रिंगटोन होगा, वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर अगर आपका म्यूजिक में है, म्यूजिक प्लेयर में, तो यहाँ से आपका म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाएगा और उसमें जो भी फ़ोन में सेव होंगे वहाँ से आप सेलेक्ट करके और ओके कर दीजिए, तो आपका इस तरीके से रिंगटोन सेलेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गएंगे, समझ गएंगे कैसे आप Xiaomi के फ़ोन में रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम की है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ भेजो व्हाट्सएप ग्रुप में। ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो में लाऊँ तो आपको पता चल जाए। फिलहाल कहते हैं फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।